मुझे ख्याल आया कि बच्चों को पहले ख्याल आया कि हमें जाना चाहिए, आप एक अपील कर लें। वो मैंने लोगों से अपील कर ली कि इस तरह सरमाए की ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें। तो हमारी तवक्को से बढ़ के सरमाया इकट्ठा हुआ और वहाँ जाकर वहाँ हमारे शागिर्द हैं जो बाकी लोग आ रहे थे मुख्तलिफ फाउंडेशन से और इनफरादी तौर पर, उन्हें पता नहीं था करना क्या है, तो सड़क पे बैठे लोगों को राशन लेके चले जाते थे। उसमें कई फ़कीर आके बैठ गए थे, उन्होंने भी साथ लूटना शुरू कर दिया था। फाउंडेशन वालों ने वहाँ के शागिर्द इकट्ठे किए और उनको इलाकों का पता था, तो कश्तियाँ लीं और कई इतनी कश्तियाँ तो थी नहीं, तो अपनी कश्तियाँ बनाईं टायरों के ऊपर चारपाइयाँ बांध के, ना टायर में हवा और उसके ऊपर चारपाई, दो टायर आगे दो टायर पीछे, उस पर बैठ कर वो पानी के अंदर जाकर उन्होंने उन लोगों तक रोशन पहुंचाया जिन्हें एक एक महीने से कुछ नहीं मिला था खाने को, और वो इतने लाहर हो चुके थे कि वो ऐसे थैला नहीं उठा सकते थे। उन्होंने हमें इतनी दुआएं दी, और वहाँ के लोग चावल नहीं खाते, रोटी खाते हैं। सारा पंजाबी ऐसा है, तो जो आ रहे थे फाउंडेशनों वाले या दूसरे लोग, वो पका पकाया खाना ला रहे थे, चावल, वो आसान होते हैं, वो चावल को ऐसे डब्बे में बंद करके तकसीम कर रहे थे। तो पता चला कि लोग तंग आ गए हैं, तो फिर हमने 12 आदमियों की एक टीम भेजी जो पूरा किचन लेकर वहाँ पेट्रोल पंप पे खेमा लगाया और देगें चढ़ाई, तंदूर में रोटियां पकाईं, फिर वो रोटी और सालन लेकर कश्तियों पर उनके घरों तक पहुंचाया। ये काम किसी ने नहीं किया। फिर मेडिकल डॉक्टरों की एक टीम लेकर गए और उनका वहाँ लगाया कैंप, चूँकि बीमारियाँ फैल रही थी। एक एक दिन में 1,000 मरीजों को देखा उन डॉक्टरों ने।